हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज हम लोग अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की ईटे मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, जो हमारा पहला चैप्टर बच्चों, उसकी वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आए। एक वीडियो आप पढ़ करके पूरे के पूरे चैप्टर को आप आराम से समझ सकते हैं। बच्चों, ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमने सभी टॉपिक्स, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन किया है। और जीरो टू हीरो, अगर आपने थोड़ा भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पूरा समझ आपको बिल्कुल जरूर आएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल नो फालतू बात, इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, पूरा का पूरा फोकस हमारा टीचिंग के ऊपर होगा। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, वीडियो को पहले लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको बिल्कुल फालतू की बातें नहीं मिलेंगी, सिर्फ मिलेगी आपको पढ़ाई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका ज्यादा, जैसे हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। बच्चों, एक और बात, हाँ, क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन आता, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दे। चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है, हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईटे बनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, ईटे बनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आप सभ्यता कहिए या कहिए संस्कृति, बात एक ही है, ठीक है। सभ्यता कहे या कहे संस्कृति, बात एक ही है। संस्कृति को सिंधु नदी घाटी के में फैले होने के कारण, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी के किनारे पे बसी हुई थी, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों आपको, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु और सिंधु की सहायक नदी के किनारे पे स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं बच्चों, इतिहासकारों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकारों ने संस्कृति या सभ्यता, देखिए संस्कृति कहिए या कह सकते हैं आप सभ्यता, संस्कृति या सभ्यता शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक खास शैली से बनी होती है, मतलब उनका, उनको जो तैयार करने का जो तरीका है एक खास तरह का तरीका होता है, और सामान्य तौर पर एक साथ बनाई जाती है, और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से इनका संबंध होता है, और इसका संबंध एक कालखंड से होता है। तो वापस से सुनेंगे बच्चों, क्या कहा मैंने, हड़प्पा सभ्यता की जो ज्यादातर बस्तियां पाई गई है वो सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे मिली थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और पुरातत्वविद संस्कृति या सभ्यता शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक खास शैली से बनी होती है, एक साथ बनी होती है, और इसका किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होता है, और इसका संबंध किसी विशेष कालखंड से होता है। उन ऐसी ही वस्तुओं को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम सभ्यता या संस्कृति कहते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था, क्योंकि इस सभ्यता की बच्चों सबसे पहले जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान में स्थित, तब तो पाकिस्तान नहीं था, तब तो हिंदुस्तान ही था, जहां पर इस सभ्यता की सबसे पहली बार खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये पता चल रहा होगा बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे, क्योंकि सबसे पहले जो खोदा गया शहर था वो हमारा हड़प्पा नामक स्थान पे खोदा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता में दो सबसे फेमस बस्तियां थी बच्चों, एक तो थी हमारी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो थी बच्चों सबसे बड़ी बस्ती थी, हड़प्पा में जो सबसे बड़ी बस्ती थी वो थी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है बच्चों वो 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। वापस से सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, हड़प्पा सभ्यता का, देखिए हड़प्पा सभ्यता को भी हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, देखिए एक तो हमारा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता,
और जो हम अभी इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का काल देखेंगे वो हम विकसित हड़प्पा सभ्यता का देखेंगे। विकसित हड़प्पा से पहले की जो सभ्यता थी बच्चों उसको हम कहते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं बच्चों? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और विकसित हड़प्पा के बाद की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम कहा जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी इतिहास से जुड़े हुई चीजों के बारे में हमें पता कहां से चलता है। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिली है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है खुदाई में मिले इमारतें, मृतभांड। मृतभांड का मतलब होता है बच्चों मिट्टी के बर्तन और औजारों से, आभूषणों से, मूर्तियों से, मुहरों इत्यादियों से पता चली है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो कहां से मिली है? खुदाई में मिली इमारतों से, मृतभांडों से, औजारों से, आभूषणों से, मूर्तियों से और मुहरों से। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी? तो ये इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है बच्चों, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये तो क्या हमारा हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। अब बच्चों हम आगे देखेंगे कि इसमें प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के मेन मेन जो बस्तियां थी, हड़प्पा सभ्यता की मेन मेन बस्तियां कौन सी थी? तो इसमें हम देखते हैं नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदिच, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बस्तियां थी। ठीक है बच्चों, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे पहली प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता को प्लानिंग के साथ बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे खास बात थी बच्चों क्यों क्या थी? ये शहर फुल प्लानिंग के साथ बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक छोटा था लेकिन ऊंचा था जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दुर्ग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां नॉर्मली कितने हिस्सों में बटी हुई थी? दो, एक छोटी बस्ती थी लेकिन ऊंची थी और एक निचली शहर था। ठीक है बच्चों, अब हम इनकी विशेषताएं भी देखते हैं। जैसे दुर्ग, दुर्ग में विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन मतलब स्पेशल प्रोग्राम वगैरह होते थे। और वहीं अगर हम निचले शहर की बात करें तो वहां पे आवासीय भवनों के उदाहरण मिलते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे साथ कौन कौन से बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। बच्चों एक बात और, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, यह हमारे लिए गुरु दक्षिणा की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की बच्चों जो सड़कें थी और गलियां थी उनका निर्माण ग्रिड पद्धति से हुआ था। कौन सी पद्धति से हुआ था? ग्रिड पद्धति। ये कौन सी पद्धति होती है बच्चों? ये वह पद्धति होती है जिसमें सड़कें व गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस पर काटते हैं बच्चों? समकोण पर, मतलब गलियां जहां पे खत्म होंगी वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता होगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में पानी जमा होता होगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। घरों की नालियों को मेन नालियों से, सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था और जो घर की कम से कम एक दीवार बाहर मेन रोड से लगी होती थी ताकि घर के पानी को आसानी से निकलने में हेल्प मिले। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज के हमें दाने मिले।
साक्ष्य मिले। तो देखिए बच्चों, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होने का अनुमान मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता में बच्चों भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, जानवरों के अस्तित्व के अनुमान है। ऐसे अनुमान लगते हैं कि ऐसे जानवर जो थे, इनकी हड्डियां मिली है, तो उस सभ्यता में इन जानवरों का पाया जाना नॉर्मल सी बात होगी। हड़प्पा में पाई गई जाने वाली लिपि को अभी तक विद्वानों के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा की लिपि को विद्वानों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। हड़प्पा की लिपि दाईं तरफ से बाईं ओर लिखी होती थी। जैसे हम पढ़ रहे ना, ये बाईं, बाईं से हम दाएं पढ़ रहे हैं, पर हड़प्पा की लिपि जो थी वो दाएं से बाईं लिखी होती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में जो चिन्ह प्राप्त हुए बच्चों, वो 375 से 400 के बीच प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट मिले हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। और बाटों का यूज किस लिए किया जाता था? आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। और बाट जो थे, निचले मापदंड जो थे, वो द्वि आधारी प्रणाली के होते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चनहुदड़ो जो था, शिल्प उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र था। जो हड़प्पा सभ्यता में एक बस्ती थी बच्चों, चनहुदड़ो, जो चनहुदड़ो किस लिए फेमस थी? अपने शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन क्या होता है? हाथों से बनाई गई वस्तुएं। ठीक है बच्चों, शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहरों का निर्माण करना, चर्ट बाट बनाना, ये सब शामिल था। अब देखिए, ये तो हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में हाथों से वस्तुओं का निर्माण होता था। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें बनती थी उनके लिए कच्चा माल आता कहां से था। मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, उन्हें प्राप्त करने के स्थल जैसे पत्थर, कुछ हड़प्पा सभ्यता में वस्तु को बनाने के लिए पत्थर, धातु और अन्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर में सैलखड़ी, लग्जमवर्क, क्वार्टराइज, कार्नियल, जैस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सैलखड़ी पत्थर दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से लाया जाता था। लग्जमवर्क मणि जो थी सोर्तू गई अफगानिस्तान। कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अफगानिस्तान क्यों फेमस था? अफगानिस्तान का जो सोर्तू गई था वो नहरों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है बच्चों, कार्नियल गुजरात से आता था। धातु में कांसा, तांबा, सोना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता में धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो आप लिख दीजिएगा बच्चों लोहा। लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। कांसा स्थानीय स्तर पर मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और ओमान से मंगाया जाता था। सोना दक्षिण भारत से। शंख नागेश्वर और बालाकोट, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। नागेश्वर और बालाकोट जो थे बच्चों, ये दो ऐसे शहर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समुद्र के निकट थे। फ्यांस और पक्की मिट्टी स्थानीय स्तर पे मंगाई जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या रहा बच्चों हमारा? मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग। देखो, मोहरों का स्टैम्प, मोहरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? तो मोहरों का इस्तेमाल लंबी दूरी के संपर्क को सुविधा बनाने के लिए किया जाता था। ये कैसे? मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान कोई वस्तु भेजना है, ठीक है, और क्या होता था कि किसी बोरे में सामान को भर दिया जाता था और भरने के बाद उसके मुंह पे बांध करके मट्टी थोप करके उसके ऊपर स्टैंप मार दिया जाता था। अगर वो स्टैंप अपने गंतव्य स्थल जहां पे उसे पहुंचना है वहां तक पहुंचने तक अगर वो सुरक्षित है तो ये माना जाता था कि माल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो इसीलिए मोहरों का और मुद्रांकनों का इस्तेमाल लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। आगे देखते बच्चों, हड़प्पा स्थलों से मिले सवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। देखिए, हड़प्पा स्थल से जो मृतकों के अवशेष मिले हैं, मृतकों को गर्त में, गर्त मतलब होता है बच्चों गड्ढा, मृतकों को गड्ढे में दफनाया जाता था। इनके साथ मृत भांड आदि के अवशेष मिले हैं। सवाधानों के अध्ययन,
से सामाजिक, देखो समाधानों के अध्ययन से क्या पता चलता है, सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है, सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। आगे देखते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे, जिनमें से पहला है हमारा जलवायु परिवर्तन। देखो अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण दिए, जैसे कुछ ने जलवायु का परिवर्तन होना, तो कुछ ने वनों की कटाई, कुछ ने बाढ़ भूकंप, नदियों का मार्ग बदल जाना, तो कुछ विद्वानों का अनुमान है कि नदी सूख गई होंगी, व कुछ साक्ष्य हमें बाहरी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के भी मिलते हैं। इसे मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया हुआ बच्चों। देखो ये वन शॉट वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हमें बस चैप्टर को अच्छे से समझना होता है, ठीक है, रिवाइज करना होता है चीजों को, ठीक है बच्चों। देखिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर थे सब में जो फर्श थी वो ईंटों के बने हुए थे। स्नान घर होते थे, स्नान घर मतलब बाथरूम होते थे, या जिनकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। मैंने पीछे भी बताया था आपको, घर की जो नालियां थी मेन रोड की नालियों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। चनहुदड़ो लोथल एव हाल ही में धोलावीरा में विशिष्ट प्रकार की शीद, देखिए वापस से सुन लीजिए, चनहुदड़ो लोथल और धोलावीरा में यहां पे मनकों में छेद करने के लिए, छिद्र करने के लिए औजार प्राप्त हुए, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुओं, सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी वस्तुओं से, मतलब जो महंगी वस्तुएं थी वो बड़ी वस्तुओं से मिली है, सोने के आभूषण व फ्यांस से बने लघु पात्र जो कीमती चीजें मानी जाती थी, दुर्लभ चीजें मानी जाती थी, वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। बड़े शहरों से नागेश्वर और बालाकोट, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर बच्चों, नागेश्वर और बालाकोट जो थे हमारे वो समुद्री तट के नजदीक स्थित थे, तथा संघ से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां करछियां इत्यादि के निर्माण का विशेष स्थल केंद्र थे। अच्छा आगे देखते हैं, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्र मतलब दूर दूर के इलाकों विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान, सोने के लिए दक्षिण भारत अभियान भेजे जाते थे। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कनिंगम थे। कनिंगम को भ्रम हुआ, कनिंगम का भ्रम बच्चों बड़े वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, कनिंगम के भ्रम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। कनिंगम का जो भ्रम था, कनिंगम को क्या हुआ था, कनिंगम को कुछ लोगों ने वहां की जो मोहरे थी वो लाके दी, पर कनिंगम ये नहीं जान पाए कि ये मोहरों का, इन मोहरों का संबंध किससे है। कनिंगम ने हड़प्पाई मोहरों को उस सभ्यता से रिलेट किया जिससे वो परिचित थे, ठीक है, इसीलिए कनिंगम का, और कनिंगम ने इस हड़प्पा के मोहरों को गंगा घाटी में पनपने वाले पहले शहरों के साथ जोड़ा, इसीलिए कहा जाता है कनिंगम का बच्चों भ्रम, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इस सभ्यता को नवीन प्राचीन सभ्यता का नाम दिया जाता है। बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, प्लीज अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है बच्चों तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर जो होता है वो हमारे को मोटिवेशन देता है, और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, ठीक है, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, कम से कम एक के साथ तो शेयर करें, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता, आपका लाइक कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और हाँ इसकी जो हमारी वन शॉट वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी बच्चों, उसे आप प्लेलिस्ट पे आकर के पूरी की पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।